हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के क्वालिफायर टू मैच के बारे में, जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच है। और इस मैच को आप आज शाम के 7:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं सारे मैचेस की टॉस और मैच की प्रिडिक्शन बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। यह मैच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 200 देख सकते हैं इस पिच पर। अगर पिछले 82 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए, तो 57% फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 41% सेकेंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वेदर की बात की जाए तो 6% चांसेस है बारिश होने की। टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। ह्यूमिडिटी 80% रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए, तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए, तो 1 मैच में जीत हुई है, 4 मैचेस में हार हुई। और अगर इनके बीच खेले गए 10 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 5 टाइम्स सनराइजर हैदराबाद की जीत हुई है, 5 टाइम्स राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई है। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए, तो पॉइंट्स टेबल पे सनराइजर हैदराबाद की टीम 17 पॉइंट्स के साथ है। 14 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस में जीत हुई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी पॉइंट्स टेबल पे 17 पॉइंट्स के साथ है। 14 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस में जीत हुई है। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो राजस्थान रॉयल्स से यशस्वी जायसवाल, टॉम कोहलर कैडमोर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरॉन हेटमायर, रोमन पवेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेज खान, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स के। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, विजयकांत, टी नटराजन और मयंक मारकंडे, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 सनराइजर हैदराबाद के। अब अगर सनराइजर हैदराबाद के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए, तो 60% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 195 है, हाईएस्ट स्कोर 287 है, लोएस्ट स्कोर 134 है। राजस्थान रॉयल्स के पिछले 10 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए, तो 50% मैचेस में जीत हुई है। एवरेज स्कोर 181 है, हाईएस्ट स्कोर 224 है, लोएस्ट स्कोर 141 है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के इस क्वालिफायर 2 मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार सनराइजर हैदराबाद के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। फाइनल प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।